कर्क राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी को बता दें, आप सभी को जिंदगी से हटाना चाहता है, आपकी जिंदगी को खत्म करना चाहता है या इंसान, और यह आपके पीछे पिछले कई इसमें से हाथ धोकर पड़ा है। वक्त रहते हो जाएं, सावधान नहीं तो दोस्तों यह आपको धीरे धीरे बर्बाद कर देगा। जी हां दोस्तों, यह इंसान आपके पीछे पागल बन चुका है और यह आपके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपने उनके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा किया है, यह वही इंसान है और अब आपको यह मिटाना चाहता है, क्योंकि आपने अपने जीवन में इससे कुछ अच्छा किया है जो इसे नहीं हो पाया है। समय के साथ आपका जीवन इसे बेहतर हो गया, यही कारण यह आपसी दुश्मनी मोड़ ले और अब यह इस जगह पर आ गया है कि आपके जीवन को ही खत्म करना चाहता है। यह इंसान कौन है और कैसे इसे बचाना है, आज के इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर आपको कौन से उपाय करना है। बस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को भी सर्वप्रथम एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा। माता रानी का सीधा आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह जो दुश्मन है आपके आस पड़ोस के ही है या कोई बाहर के दुश्मन नहीं है, जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये मुंह में राम बगल में छुरी रखते हैं और आपको इनका भनक भी नहीं है। दोस्तों जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, आपको इसे कैसे बचाना है, कौन से उपाय करना है, इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। आने वाले अगले 2 दिनों का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। यह समय आपके लिए बड़ी खुशखबरी को लेकर आने वाला है। आपने बहुत मेहनत किया है और अब उनका फल आपको प्राप्त होने वाला है। अब समय बदलाव का है। आप इसे कह सकते हैं कि माता रानी की मां दुर्गा की विशेष कृपा आपके पास आ चुकी है, तभी आज का यह हम विशेष कार्यक्रम माता रानी के आदेश से उनकी अनुभूतियों के आधार पर लेकर आए हैं, क्योंकि अगर कहीं बीमारी है तो उसका इलाज होना बहुत आवश्यक है। आप जैसे सीधे सच्चे और साफ हृदय के इंसान यदि पीड़ित और परेशान हैं तो आपकी परेशानियों का समाधान होना अत्यंत आवश्यक है, यही धर्म है। इसीलिए अर्जुन जैसे सांप पवित्र इंसान का साथ देने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण युद्ध क्षेत्र में चले आए और अर्जुन के सारथी बनकर उनका मार्गदर्शन किया। वह भगवान श्री कृष्ण की लड़ाई नहीं थी, भगवान श्री कृष्ण को तो किसी से लेना देना ही नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने साफ हृदय के इंसान का साथ दिया। तो इसी प्रकार आज आपका साथ देने के लिए माता रानी की अनुभूतियों के आधार पर यह विशेष कार्यक्रम लेकर हम आए हैं। प्यारे दोस्तों, एक बात याद रखना कि जिंदगी जिया बदलती जरूर है, कभी भी समय एक जैसा नहीं रहता है, और जब जिंदगी बदलती है तो उसे बदलने के लिए कहीं ना कहीं से किसी ना किसी प्रकार की प्रेरणा, किसी ना किसी प्रकार का इशारा अवश्य ही प्राप्त होता है। अब जो समझदार लोग होते हैं वे उन इशारों और संकेतों को समझ लेते हैं और उन्हें अपने जीवन में इस्तेमाल करके प्रयोग करके जीवन को बदल डालते हैं, और जो मूर्ख होते हैं वे बस कुतर्क और फिजूल की बातों को अपने दिमाग में घुमाते रहते हैं और कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। जीवन भर बस धक्के खाते रहते हैं, रोते रहते हैं और बस यही कहते रहते हैं कि दुनिया में अच्छाई भगवान भक्ति जैसा कुछ भी नहीं है, केवल और केवल परेशानियां हैं, यानी अपना दुखड़ा रोते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस कार्यक्रम को यदि आपने अंत तक देख लिया तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में कल से ही बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हम ना केवल आपको इस एक गुप्त महाशक्ति शतिशली रक्षा कवच तंत्र के बारे में बताएंगे, बल्कि साथ ही साथ आपको बहुत सारी ऐसी बातें भी बताएंगे जिन्हें आपको अपने जीवन में प्रतिदिन के कार्यों में शामिल कर लेना चाहिए। यदि आप उन चीजों को अपने साथ शामिल रखेंगे अपने कार्यों में तो आपके साथ रातों रात परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। जी हां प्यारे दोस्तों, याद रखना कि आप अपने पूरी जीवन शैली में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई गलतियां तो अवश्य कर ही रहे हैं, बस फर्क इतना है कि आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं और इसमें आपकी भूल नहीं है। यह मानव का स्वभाव है, मानव कभी भी अपनी गलती नहीं देख पाता है। जैसे कि आंख में जो काजल लगा रहता है वह उस आंख को कभी नहीं दिखाई देता, लेकिन दुनिया में सभी लोग उस काजल को देख लेते हैं।
बस जिस आंख में वह काजल लगा है उसी आंख को वह काजल नहीं दिखाई देता। ठीक इसी प्रकार इस संसार में किसी भी इंसान को अपनी गलती कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन बुद्धिमान और अक्लमंद इंसान जैसे ही कोई गलती बताता है उसे पहचान कर तुरंत उसे सुधार जरूर लेते हैं। और यह गुण आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, तो बस उम्मीद करते हैं हम कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं और हम आपके जीवन में सचमुच में परिवर्तन लाना चाहते हैं, और यह हम माता रानी की सेवा समझकर कर रहे हैं, यह भी आप समझ रहे हैं। तो बस इस कार्यक्रम को अंत तक आप जरूर देखेंगे, ऐसा हम अपने मन में विश्वास करके चलते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज के इस विशिष्ट और बेहद ही चमत्कारी ज्ञानवर्धक कार्यक्रम की शुरुआत करें। लेकिन इससे पहले माता रानी को याद तो करना ही होगा, क्योंकि बिना महामय जगत मई के याद किए हुए कोई भी शुभ कार्य पूर्ण हो ही नहीं सकता है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, पूरे भक्ति भाव के साथ मन में माता रानी को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, एक बार नहीं तीन बार लिखना, जय मां दुर्गा कृपा करो। माता रानी निश्चित तौर पर आपकी कृपा करेंगी, आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाएंगी, साथ ही साथ बंधु आपको माता रानी के इस दिव्य परिवार का हिस्सा बनना होगा, इस परिवार को बड़ा करना होगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी पहुंच हो जाए और यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों के जीवन को भी बदल पाए। प्यारे दोस्तों, याद रखना कि हम जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं वह सब कुछ माता रानी की सेवा में समर्पित है, उन्हीं की भक्ति में कर रहे हैं, तो आपको इसका सहयोगी बनना होगा। तो यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दें। ऐसा करते ही आप हमारे और माता रानी के इस दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे, और यकीन मानिए हम वादा करते हैं आपसे कि आज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कल से ही अपने जीवन में परिवर्तनों को महसूस करिए। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह पूर्ण रूप से वैदिक और शास्त्रीय पद्धतियों पर आधारित है और हम हमारे साधना के अपने निजी अनुभवों पर भी आधारित है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस प्रकृति के सबसे मूल तत्व की, यानी कि यह संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड जिन मूल तत्व से मिलकर बना है उनका नाम है शिव, और शिव के अंदर शक्ति समाहित है जिससे शिव संचालित होते हैं, यानी शिव और शक्ति के मिलन से ही इस ब्रह्मांड का और ऐसे अनंत कोट ब्रह्मांड का भी निर्माण हुआ है। अब शिव और शक्ति के मिलन से जो यह ब्रह्मांड बना है उस ब्रह्मांड में हमारे रहने योग्य सौर मंडल है, और सौर मंडल में हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसका नाम पृथ्वी है, भूमि है, धरा है, और इस धरा पर हम जिन चीजों को भी अपने आसपास देखते हैं या महसूस करते हैं, जैसे पर्वत, पहाड़, पेड़, जीव जंतु, वायु, जल, अग्नि, यह सभी प्राकृतिक तत्वों से मिलकर बने हुए हैं, यहां तक कि हम स्वयं भी इन प्राकृतिक तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। तो देखा जाए तो प्रकृति एक होती है और यह पांच प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी होती है, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु। इसी प्रकार हमारे शरीर में जो निर्माण है, प्रक्रिया है, उसके बाद जब हमने अनुभूतियां शुरू की तो हमें पांच इंद्रियां मिली। वैसे इंद्रियां 10 होती हैं, पांच चेतन और पांच अचेतन, जैसे दिशाएं भी 10 होती हैं, चार चेतन और 6 अचेतन। अब इन सभी दिशाओं में पर्वत, पहाड़, नदियों, जीव जंतुओं और हमारे और आपके अंदर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वह शक्ति है, यानी कि भोलेनाथ की शक्ति। तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसे कि हम जो भी कुछ यहां देख रहे हैं वह शिव है, और जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है फिर भी चल रहा है वही शक्ति है, यानी कि नदियां जो चल रही हैं लगातार गतिमान है, पर्वत हैं जो लगातार बनते और बिगड़ते रहते हैं, हवाएं जो चल रही हैं, हम और आप जो चल रहे हैं, इस संसार को भोग रहे हैं, वह सब कुछ शिव है। और जिस शक्ति से हम इसे चला रहे हैं, यानी जो हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है वह शक्ति है, यानी कि भोलेनाथ की शक्ति। इसीलिए वेदों में कहा गया है तत्वम अस्सि, यानी कि जिन चीजों से शिविर शक्ति बने हैं उन्हीं से हम भी बने हैं। तत्वम अस्सि, जो तुम हो वही हम हैं। अब यह सारी बातें हम आपको क्यों बता रहे हैं? इन सारी बातों को बताने के पीछे हमारा मकसद यही है कि हम जो रक्षा कवच आपको बताने जा रहे हैं वह इन्हीं शिव और शक्ति की मूल प्रकृति से निकाले जाएंगे और प्रकृति के ही पांचों तत्व इसमें समाहित होंगे।
यानी यह एक ऐसा रक्षा कवच होने जा रहा है जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली रक्षा कवच होगा, यानी दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति इस सुरक्षा कवच को तोड़ नहीं सकती है। अब ऊर्जाओं के बारे में बात करते हैं। हमने कई बार आपको अपने पिछले कार्यक्रमों में भी कहा है कि सकारात्मक ऊर्जा नकारा, आत्मक ऊर्जा अब यहां पर देखा जाए तो शक्ति तो शक्ति है, यानी ऊर्जा मतलब शक्ति। अब शक्ति तो एक ही है ना, वह सकारात्मक है और ना ही वह नकारात्मक है, बस समय और परिवेश के अनुसार कुछ नकारात्मक हो जाती है और कुछ सकारात्मक हो जाती है। कैसे, जरा इसे भी समझिए। जैसे कि माता काली चंडी, रणचंडी, रुद्र काली अगर क्रोध में है तो वे नकारात्मक शक्ति के रूप में पूजी जाती हैं। तभी जो तांत्रिक होते हैं, जो नकारात्मक रूप से माता को प्रसन्न करते हैं, वे काली को बलि आदि का प्रावधान मानकर चलते हैं। लेकिन वही काली जब शांत हो जाती है तो भद्र काली बन जाती है। ममत्व उनकी दृष्टि से, उनके दर्शन मात्र से ही झलकता है और अपने भक्तों पर प्रेम ही प्रेम बरसाती है। यानी कि काली तो वही है, जब गुस्सा आया तो रणचंडी बन गई और जब शांत हुई तो दुर्गा बन गई। यानी एक ही शक्ति के दो रूप हमें यहां देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार जो ऊर्जाएं हमारे आसपास होती हैं, उन ऊर्जांचल है या यूं कहे कि जो गढ़ हैं, भक्त हैं, उनमें सभी शामिल हैं। भूत प्रेत पिशाच, मानव दानव देवता, सभी भोले बाबा किसी में भेद नहीं करते हैं, क्योंकि भेद करते ही शक्ति के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। शक्ति में आप भेद नहीं कर सकते। मानकर चलिए कि बिजली का तार है और उसमें करंट बह रहा है। यदि उस करंट से आपके यहां पंखा कूलर चलता है, आपको अच्छा लगता है, तो वह बिजली अच्छी हो गई। लेकिन उसी बिजली से आपको यदि झटका लग जाता है और आपको ज्यादा नुकसान हो जाता है, हाथ वगैरह जल जाता है, तो वही बिजली आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा बन गई। यानी एक जगह पर वही बिजली सकारात्मक ऊर्जा थी और कुछ ही टाइम में वह बिजली नकारात्मक ऊर्जा बन गई। बिजली तो वही है, वही तो बदली नहीं। तो यह सारी बातें भी हम आपको इसीलिए समझा रहे हैं ताकि आप अपने मन को और साफ कर सकें और अपने मन में इन चीजों को अच्छी तरह से गहराई से बैठा सके। याद रखना कि जब हम किसी भूत की बात करते हैं या प्रेत की बात करते हैं, तो वह भूत और प्रेत आपको परेशान करने के लिए नहीं आ रहा है। वह तो खुद ही पीड़ित है, खुद ही परेशान है, उसे तो खुद ही कष्ट हो रहा है और वह अपने कष्टों को मिटाने के लिए बस आपकी सहायता ले रहा है। लेकिन उसकी सहायता लेने के चक्कर में आप परेशान हो जाते हैं और जो भूत प्रेत बनकर भटक रहे हैं, वो उन्हें नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति कहा जा रहा है। जब वे जीवित थे और भले चंगे संसार में अपने कार्य कर रहे थे तो सकारात्मक ऊर्जा कही जाती थी। ऊर्जा का एक ही स्वरूप है, बस परिस्थितियों के अनुसार वह नकारात्मक और सकारात्मक में बदलता रहता है। प्यारे दोस्तों, यह बात बहुत गहरी है, हमने आपको बहुत कम शब्दों में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों को समझ रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं उस एक सुरक्षा कवच के बारे में, फिर कुछ जरूरी सावधानियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि याद रखना बंधु, जो चीजें जितनी अधिक शक्तिशाली होती हैं, उनके साथ उतनी ही अधिक सावधानियां भी रखनी पड़ती हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, अग्नि कितनी शक्तिशाली होती है, सब चीजें जला देती हैं। अगर आपको उसका प्रयोग करना आता है तो आप उसी अग्नि से भगवान के लिए दीपक जलाएंगे, उसी अग्नि से अपने लिए भोजन बनाएंगे, और यदि आप भूल चूक करेंगे, गलती करेंगे, तो वही अग्नि आपके हाथ को भी जला सकती है, घर को भी जला सकती है। तो बस कोई शक्तिशाली प्रयोग जब हम अपने जीवन में लाते हैं तो वह अग्नि को अपने जीवन में लाने के समान होता है। यानी शक्ति का शुद्ध स्वरूप आपके जीवन में आ जाता है। अब जब शक्ति का स्वरूप आपके जीवन में आएगा तो आपको शक्ति के नियमों का पालन भी करना होगा। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप सारी बातों को विस्तार से समझना। अब इन बातों से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आपको प्रताड़ित नहीं करेगा, ना ही कोई परेशान करेगा। बस होगा यह कि यह प्रयोग निष्फल हो जाएगा, इसके लाभ आपको प्राप्त नहीं होंगे। अब यह कोई नकारात्मक प्रयोग नहीं है, यह पूर्ण रूप से सकारात्मक प्रयोग है और बाबा भोलेनाथ और मां शक्ति पर ही आधारित है। तो यह आपको हानि कुछ नहीं पहुंचाएगा। बस यदि आप इसमें गलती करेंगे, नियमावली को ठीक से नहीं मानेंगे, तो यह प्रयोग निष्फल हो जाएगा, फिर हमारी और आपकी मेहनत भी असफल हो जाएगी, कोई लाभ ही नहीं होगा आपके इस कार्यक्रम को देखने का।
इसीलिए इस कार्यक्रम को अंत तक देखें और सारी नियमावली को अच्छी तरह से समझ लें। तो अब ध्यान से सुनिए कि यह कौन सी चीज है और इसको कैसे प्रयोग करना है। अब इस प्रयोग को करने के लिए आपको शनिवार का दिन चुनना होगा। किसी भी शनिवार के दिन आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, इसके लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। सबसे पहली सामग्री आपको चाहिए एक लाल रंग का धागा। दूसरी सामग्री आपको चाहिए एक सफेद रंग का कोई भी ताबीज। जी हां प्यारे दोस्तों, ताबीज गोल होना चाहिए। खोखला ताबीज बाजार में आसानी से मिल जाता है, आप उस ताबीज को लेकर आएंगे। और तीसरे नंबर पर आपको चाहिए एक 5 मुखी रुद्राक्ष, इसी के साथ साथ एक पत्र छोटा सा टुकड़ा। और अगर आपको मिल जाए आसानी से तो अष्टगंध की स्याही और अनार की कलम यदि नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं है, आप साधारण लाल रंग की कलम ले सकते हैं। यदि आपको भोजपत्र का कागज नहीं मिलता है तो आप पीले रंग का कोई भी कागज ले सकते हैं। अब शनिवार के दिन आपको यह संपूर्ण सामग्री लेकर आनी है अपने घर में और इसे अपने पूजा घर में एक प्लेट में लगाकर रख दें। थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर इसे शुद्ध कर लें। अब इसके बाद आपको पीले रंग का प्रसाद, पीले रंग के पुष्प और पीले रंग का ही आसन चाहिए माता बगला मुखी की। यदि फोटो आपके घर में पहले से ही है तो आप उसे प्रयोग कर सकते हैं, यदि नहीं है तो आप इसे बाजार से खरीद कर ला सकते हैं। यह आपके घर में होना बेहद आवश्यक है। याद रखना कि वेदों में मां बगलामुखी की महिमा अनंत है, अपार है। अब माता बगलामुखी की महिमा का आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो भगवान श्री कृष्ण ने माता बगलामुखी का आवाहन किया था और अर्जुन समेत 5 पांडवों ने माता बगलामुखी की विशेष आराधना की थी ताकि उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त हो जाए। बाद में पांडवों की कुलदेवी माता बगलामुखी बनी। अब माता बगलामुखी, जिन्हें हम पीताम्बरा माता भी कहते हैं, ये माता शक्ति का ही स्वरूप है। 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है और इनका विशेष कार्य ही यही है कि यह किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को मात्र एक बार के उच्चारण मात्र से ही समाप्त कर देती है। जी हां प्यारे दोस्तों, इन्हें स्तंभन की, मारण विद्वेषण की और वशीकरण आदि की देवी माना जाता है, लेकिन यह सात्विक देवी हैं, तांत्रिक देवी नहीं है। और इनका स्वभाव राजसिक है, मतलब कि जो भी भक्त इनकी पूजा करेगा उसे राजसिक सुख तो जीवन में मिलेगा ही मिलेगा, हर हालत में मिलेगा, यानी इनकी सिद्धि राजसिक सिद्धि मानी जाती है। तो अब आप यहां से समझ गए हैं कि माता बगलामुखी की आपको आवश्यकता क्यों है। इनके द्वारा ही यह विशेष तंत्र या यूं कहे कि रक्षा कवच आपका तैयार होने वाला है। तो अब आपको यह क्रिया कब शुरू करनी है? रात्रि में 900 बजे के बाद, और यदि और अच्छे परिणाम आपको चाहिए तो 11 बजे के बाद, क्योंकि माता बगलामुखी का इस धरती पर प्रादुर्भाव रात्रि को 12 बजे हुआ था। ऐसा माना जाता है कि कुरुक्षेत्र में रात्रि को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण ने माता का आवाहन किया तो माता उनके सामने प्रकट हुई थी और फिर पांडवों ने, अर्जुन समेत सभी ने मिलकर उनकी विशेष पूजा आराधना की थी। तो 12 बजे का समय रात्रि का इनके लिए प्रादुर्भाव का समय होता है और इनकी विशेष पूजा आराधना इसी समय पर की जाती है। तो अब यदि आप रात्रि 12 बजे तक नहीं जाग सकते हैं तो कोई बात नहीं है, रात्रि को 11 बजे 9 बजे जब भी चाहे आप कर सकते हैं। रात्रि रात्रि होती है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम आपको सारे के सारे विषय खुलकर बता रहे हैं, इसीलिए हर बात स्पष्ट बता रहे हैं कि सर्वोत्तम परिणाम आपको कब प्राप्त होंगे। अब आपको क्या करना है? अपने पूजा घर में रात्रि के समय स्नान आदि करने के बाद जाना है। पूरी पवित्रता के साथ आपको पीले रंग का आसन बिछाना है। अपने स्वयं के लिए एक चौकी लगानी है और उस चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाना है और उसके ऊपर माता की फोटो को स्थापित करना है। फिर आपको हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करनी है, माता का मन ही मन आवाहन करना है। माता से कहना है कि हे माँ, हम आपसे कृपा चाहते हैं, आपकी कृपा से हम अपने जीवन को सरल बनाना चाहते हैं। हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, इनसे मुक्ति चाहते हैं, इसलिए आप हमारी इस पूजा को स्वीकार करें और यहां इस पूजा को स्वीकार करने के लिए उपस्थित भी हो। इस प्रकार आप मन ही मन इस बात को बोलेंगे, 2-3 बार बोलेंगे, फिर आप जल छोड़ेंगे, आमनी देंगे, दीपक जलाएंगे, माता रानी को प्रसाद चढ़ाएंगे, चंदन लगाएंगे,
पीले रंग का पीले पुष्प चढ़ाएंगे और उसके बाद आप जो पीले रंग का कागज लाए हैं या भोजपत्र लाए हैं उस पर अष्टगंध की छाई से और अनार की कलम से इस मंत्र को आपको लिख देना है। मंत्र क्या है जरा इसे ध्यान से सुने और यह आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। ओम हलीम बगला मुखी सर्व दुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम किलय बुद्धि विनाशाय हलीम ओम स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। ओम हलीम बगला मुखी सर्व दुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम कील बुद्धि विनाशय लीम ओम स्वाहा। इस मंत्र को आपको बारीक बारीक अक्षरों में केवल एक बार उस भोजपत्र पर बहुत छोटे से कागज में लिखना है क्योंकि यह कागज आपको उस ताबीज के अंदर रखना है, तो आप उसी हिसाब से इसका साइज बनाकर फिर उस पर लिख दीजिए। आप हैंडराइटिंग कैसी आती है इसकी चिंता करिए, बस आप उस पर लिख दीजिए। अब जो रुद्राक्ष है, धागा है, ताबीज है और उस ताबीज के अंदर इस कागज को आपने जो मंत्र लिख कर रखा है उस ताबीज को आपको माता रानी को समर्पित करना है यानी उनके चरणों में रख देना है। अब आपको रुद्राक्ष की माला से या हल्दी की माला से, अगर बाजार में हल्दी की माला मिल जाए आपको तो वो लेकर आइए, नहीं तो रुद्राक्ष की माला से भी आप कर सकते हैं। इसी मंत्र का आपको एक ही जगह बैठकर कम से कम 3 माला, अधिक से अधिक 9 माला, जी हां प्यारे दोस्तों, इतना आपको मंत्र उच्चारण वहां बैठकर आपको करना है। इसमें समय लग सकता है क्योंकि यह मंत्र बड़ा है, 36 अक्षरी मंत्र है, माता का अंक भी 36 ही है, तो आप इसकी 3 माला तो कर ही लें कम से कम, तभी यह प्रयोग कामयाब होगा। अब 3 माला आप इस मंत्र की जाप जब तक करेंगे तब तक आपके सामने जो दीपक जल रहा है, घी का, गाय के घी का दीपक जलाना है, उस दीपक को बुझने मत देना और उस दीपक के अंदर आप 2 लौंग अवश्य डाल दें, यानी 1 लौंग का जोड़ा उस दीपक में डाल दें। बस अब आपका जब माला जाप समाप्त हो जाए तो आप माता रानी का विसर्जन कर दें, यानी कि मंत्र से विसर्जन करना है। अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बस हाथ जोड़कर माता रानी से निवेदन करना है कि माता रानी हमने जिस उद्देश्य के लिए आपका आवाहन किया है आप कृपा करके उस उद्देश्य की पूर्ति करें, हमारे इस रक्षा कवच में अपनी ऊर्जा को समाहित करें और यदि हमसे किसी प्रकार की भूल चूक कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा करें। बस इस प्रकार से माता रानी का विसर्जन हो जाएगा और उसके बाद आप इस सामग्री को माता रानी के चरणों में रखा छोड़ें और अपने बिस्तर पर चले जाएं, यानी सो जाएं। अब इसके लिए नियमावली क्या है कि आपको इस प्रयोग के बारे में किसी को नहीं बताना है। दूसरा कि आप इसे धारण करेंगे, यानी कि उस धागे में पिरोकर इस रुद्राक्ष को और उसी के बगल से इस ताबीज को धारण करेंगे तो इसे आप छुपा कर रखेंगे, यानी कि यह किसी को दिखना नहीं चाहिए, आपके कपड़ों के अंदर यह छुपा रहेगा। तीसरा कि यह रुद्राक्ष और यह ताबीज खंडित नहीं होना चाहिए, टूट फूट नहीं होनी चाहिए इसमें और यह अशुद्ध भी नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी की शव यात्रा में किसी की मृत्यु हो जाती है, सूतक हो जाता है, पातक हो जाता है, ऐसी स्थिति में इसे ना छुए। महिलाएं रजस्वला धर्म के समय में इसे बिल्कुल भी स्पर्श ना करें क्योंकि यदि एक बार यह दूषित हो जाता है तो आपको फिर से इसी प्रक्रिया के द्वारा इसे पुनः निर्माण करना पड़ेगा। अब आपको इसका सर्व उत्तम लाभ लेने के लिए प्रतिदिन यह क्रिया इस सामग्री के साथ करनी है, यानी कैसे तो जरा इसे समझिए। पहले दिन आप सुबह सोकर जल्दी जागे, सूर्योदय से पहले जाग जाएं, स्नान आदि करने के बाद पूजा घर में जाएं और जो सामग्री आपने रखी है उस सामग्री को आप धागे में फिरोक अपने गले में पहन लें, उसके बाद आप दिन भर इसको धारण करके रखें लेकिन रात्रि के समय इसे पुनः खोलकर फिर से माता रानी के चरणों में समर्पित करें और फिर से 3 माला इस मंत्र का जाप करें। इस क्रिया को आपको लगातार 9 दिनों तक करनी है, जी हां प्यारे दोस्तों, यदि आप 9 दिनों तक लगातार इस क्रिया को कर सकते हैं तब तो यह आपके लिए ब्रह्मास्त्र के समान रक्षा कवच मजबूत हो जाएगा, कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। बाकी इसका परिणाम आपको पहले दिन से ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जब आप इसे धारण करके अपने काम पर निकलेंगे तो आप चमत्कारी रूप से महसूस करेंगे कि परिस्थितियां अचानक से बदलने लगे हैं, लोग आपके सामने खड़े ही नहीं रह पा रहे हैं, कोई नकारात्मक व्यक्ति आपके सामने ही नहीं आ सकता है और आपके जीवन में सब कुछ सकारात्मक होना शुरू हो जाएगा क्योंकि अब स्वयं बाबा भोलेनाथ और माता शक्ति की ऊर्जा आपके साथ चल रही है। अब आपका कोई बाल भी बांका कर भी कैसे सकता है,
लेकिन यदि आप 9 दिनों तक इस क्रिया को कर लेते हैं तब आजीवन आपके आसपास रक्षा कवच तैयार हो चुका है। आप बेफिक्र हो जाइए। अब इसकी नियमावली क्या है इसे आप ध्यान से समझिए। सबसे पहली चीज कि बिना मतलब में झूठ मत बोलना। झूठ और वाचाल लोग हमारे हिंदू सनातनी परंपरा में पसंद नहीं किए जाते हैं। देवी देवता ऐसे स्वभाव को पसंद नहीं करते। दूसरा कि स्वच्छता का विशेष ख्याल रखें। प्रतिदिन स्नान करें, पूजा पाठ अवश्य करें और स्नान आदि के समय, शौच आदि के समय इस सामग्री को अपने हाथ से न छुए। उतार कर यदि इसे रख सकते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। तीसरा कि जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति, परस्त्री गमन और नकारात्मक लोगों की संगत, इसे आपको तत्क्षण त्याग करना होगा। तभी यह रक्षा कवच आपके ऊपर कार्य करेगा। और बस इसकी शुद्धता का ख्याल बनाकर रखें। गलत कार्यों को ना करें। जो आपके मन में अच्छी बातें आ रही हैं उनके ख्याल में रहे। ईश्वर का नाम स्मरण करते रहे। जो भी आपके आराध्य हैं उनका नाम, उनका मंत्र और उनके भजन स्मरण करते रहे। बस इसी से आपकी चित्त शुद्ध रहेगी। और जब आपका चित्त ही शुद्ध है, स्थिर है, तो फिर जीवन में सब सकारात्मक होगा। स्वयं भगवान आपके जीवन में वास करने लगेंगे। तो बस यही थी सारी जानकारी जो आपके रक्षा कवच और आपके जीवन के बदलाव के लिए है। उम्मीद करते हैं कि सारी जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं है, आप प्रश्न करके पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए तो आपको प्रश्नों के जवाब भी मिलेंगे, आपसे फोन पर बात भी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप सारी बातें हमारी समझ रहे हैं। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो से विराम लेते हैं। और जैसे कि हमने आपको पैसे ही बताया था, इस दुश्मन का क्या नाम है, तो इस दुश्मन का नाम का पहला अक्षर RSTLM इनमें से ही एक है और यह आपके घर के दाएं साइड रहता है। तो हम इतना ही आपको संकेत दे रहे हैं, बाकी आपको समझदार है। आपको इसे सतर्क रहना है। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर हो आया करिए। क्या जाता है, दुनियादारी के सारे कामों में व्यस्त रहते हैं। इसी प्रकार एक घंटे, आधे घंटे के लिए भगवान के घर भी चले जाया करिए। क्योंकि अगर अभी आपके पास भगवान के घर जाने का समय नहीं है तो एक दिन ऐसा आएगा जब भगवान के दूत जबरदस्ती आपको खींच कर भगवान के घर ले जाएंगे। फिर आपके सारे काम यहीं के यहीं धरे रह जाएंगे, कोई भी नहीं पूछेगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, तो वह समय आने से पहले भगवान के यहाँ अर्जी लगा लगा कर भगवान के मन को मोह लीजिए, भगवान के प्रेमी बन जाइए। बात यदि अच्छी लगी हो तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ दुर्गा, जय भोलेनाथ। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। माता रानी आपका कल्याण करें।